गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं हूँ लखनऊ में और यहाँ से हमारी ट्रिप की शुरुआत होने वाली है। अभी मैं हम लोग लखनऊ से निकलने वाले हैं और अपनी मेट्रो आ गई है। क्या बांट रहे हो बताओ तुम? मैं दे रहा हूँ गुलगुला। गुलगुला चीनी और आटे से बनता है। अर्पित को दे रहे हो? अर्पित इधर आओ भाई, भाई इधर आओ। अर्पित गुलगुला, अर्पित को गुलगुले के लिए। मैं खा चुका हूँ, मैं गुलगुला खाना पड़ेगा। तुम्हें बहुत जरूरत है। आनंद अच्छा है। आनंद जी आप भी हो? अब भाभी इतनी मानती है कि आनंद की बात। भाभी डायरेक्ट बात हुई थी क्या आनंद से? तुम हल्के बना लो। फिलहाल हम लोग देवभूमि उत्तराखंड में आ चुके हैं और सुबह के 6:30 बजे हैं तकरीबन। और आज का क्या क्या सीन है हरिद्वार में? ना हरिद्वार का है, उसके बाद मसूरी, भूमि की मसूरी, नैनीताल, टीम करोली बाबा, ये सब निपटाते हुए ये सब अपने एजेंडे में है। और ये 2-3 दिन का ट्रिप होने वाला है, तो जहाँ जहाँ जाएंगे आपको भी दिखाते हैं, घुमाते हैं, साथ में बने रहिए। बाद में वॉइस ओवर हो जाएगा इसमें। और इस वक्त हम लोग हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे हैं। आप लखनऊ से या सर जैसे किसी भी कोने से आना चाहें तो यहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पास पास में ही है, दोनों की सुविधा है हरिद्वार आने के लिए। और अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो यहाँ का पास जो एयरपोर्ट है वो देहरादून वाला है, तो वहाँ आप आ सकते हैं। बाकी हम तो ट्रेन से ही आए हैं, तो ये रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का। जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं मंदिर, ये मनसा देवी मंदिर है जो कि हरिद्वार का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये यहाँ का धार देखिए, हर की बॉडी का बहुत तेज धार है, यहाँ पे नहाना इस समय संभव ही नहीं है। अभी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम लोग को होटल मिला हुआ है और ये होटल है। हम पानी रखा है होटल में, रखा है ये बाहर का व्यू है। तो अभी थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे, उसके बाद राम झूला और लक्ष्मण झूला के लिए निकलेंगे। और ये है ऋषिकेश का राम झूला, चलिए पास में लेके आपको दिखाते हैं इसके बारे में। ये राम झूला है, इसका निर्माण 1986 में हुआ था, जो कि गंगा नदी पे बना हुआ एक पुल है, लोहे का पुल है। और अभी फिलहाल हम लोग ऋषिकेश में हैं और ऋषिकेश में खाना खाने के लिए यहाँ पे बहुत ही फेमस 65 साल पुराना रेस्टोरेंट चोटी वाला के पास आए हैं। ये अपने आप में एक ब्रांड है ऋषिकेश का, चोटी वाला नाम काफ़ी कैची है। और ये महाशय जी बैठे हैं, नहीं ये 1 और 2 है ना, ऐसा कुछ उधर वाले में अपना रेस्टोरेंट का इंटीग्रेटर चोटी वाला। और अभी चोटी वाली की थाली आ चुकी है और थाली में देखिए दाल है, ये कढ़ी टाइप का है, ये मलाई कोफ्ता है
ये दही है, सलाद है, एक मीठा भी है डेजर्ट है, और ये मिक्स वेज है, और इधर रोटी भी है। तो पर्याप्त है पूरा एक बंदे खाने भर का। तो आइए शुरू करते हैं। ऋषिकेश की पावन धरती पे चोटी वाले भाई साहब के यहाँ का खाना।